Namaste, I am Dr. Pooja Gupta, Director of Medlink IVF Center, Patiala. Today we will discuss about third party reproduction. जब भी IVF करने के लिए डोनर एग या डोनर सीमन या एम्ब्रियो डोनेशन का इस्तेमाल किया जाए तो उसे थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओसाइट डोनेशन के बारे में। ओसाइट डोनेशन ज़्यादातर उन महिलाओं में किया जाता है जिसमें वाइफ का ओवेरियन रिजर्व बहुत ही लो हो या फिर निल हो। ज़्यादातर देखने में आता है कि जिन महिलाओं की एज 39, 40 या 41 से अबव होती है उन महिलाओं में ओवेरियन रिजर्व बहुत लो होता है, या फिर अगर ओवेरियन रिजर्व विद इन नॉर्मल लिमिट्स भी हो तो ऐसे केसेस में IVF के द्वारा प्रेगनेंसी अचीव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं और मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में ओसाइट डोनेशन के द्वारा ही प्रेगनेंसी एडवाइजेबल है। या फिर अगर 25 टू 35 की एज में किसी महिला के पीरियड्स बंद हो जाए जिसको कि हम प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्री मेच्योर मेनोपॉज भी कहते हैं, तो ये सब केसेस IVF के द्वारा ओसाइट डोनेशन करवाकर अपनी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पास्ट में किसी सर्जरी के कारण किसी स्त्री के एक अंडाशय या दोनों अंडाशय को निकाल दिया गया हो या फिर एंडोमेट्रोटिक सिस्ट के कारण किसी महिला के अंडाशय में अंडा बनना बंद हो चुका हो या फिर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के कारण अंडाशय काम करना बंद कर दें, तो ऐसे सब केसेस में कभी कभी मैक्सिमम डोजेस ऑफ गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन देने के बावजूद भी एग बनना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे सब कपल्स को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कपल्स को ओसाइट डोनेशन के द्वारा IVF टेक्निक के जरिए अपनी प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसे केसेस में हम स्त्री को कुछ दवाएं देके उनके गर्भाशय को एम्ब्रियो रिसीव करने के लिए तैयार करते हैं और फिर डोनर एग को हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवा के उनके गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह कंटिन्यू होती है और इसके द्वारा होने वाले बच्चे भी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होने वाले बच्चों की तरह ही होते हैं। Then we'll talk about donor semen. Donor semen की आवश्यकता उन कपल्स में होती है जिनमें हस्बैंड के शुक्राणु बिल्कुल नहीं हों। ऐसे केसेस में कई बार टेस्टिकुलर बायोप्सी के जरिए भी शुक्राणु नहीं मिल सकते, तो ऐसे केसेस डोनर सीमन के लिए जा सकते हैं। या फिर कभी कभी महिला में या उनके हस्बैंड में अगर कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट हो जिसके कारण कि उनको डोनर गैमेट एडवाइजेबल हो तो वो भी डोनर एग या डोनर स्पर्म के लिए जा सकते हैं। ये भी देखने में आता है कि कभी कभी हस्बैंड और वाइफ दोनों में ही कोई ऐसा डिफेक्ट हो जिसके कारण कि उनका एग और स्पर्म दोनों ही अवेलेबल ना हो, तो ऐसे केसेस में एम्ब्रियो डोनेशन के लिए एक डोनर एग और एक डोनर स्पर्म को फर्टिलाइज करवा के जो एम्ब्रियो बनाया जाता है उसको वाइफ के गर्भाशय में ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। सो ऐसे कोई भी कपल्स जिनमें अंडाशय में या शुक्राणुओं में कोई दिक्कत है और वो किसी भी और ट्रीटमेंट से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो वो डोनर प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। एट मेडलिंग IVF वी हैव ट्रीटेड लॉट ऑफ केसेस एंड लॉट ऑफ कपल्स हैव अचीव देयर प्रेगनेंसीज विद डोनर ओसाइट एंड डोनर सीमन एंड एम्ब्रियो डोनेशन एंड वी फॉलो ऑल ICMR गाइडलाइंस वेरी स्ट्रिक्टली फॉर अ डोनर प्रोग्राम। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग ओसाइट डोनेशन और सीमन डोनेशन और एम्ब्रियो डोनेशन देन काइंडली विजिट अस एट मेडलिंग IVF सेंटर पटियाला। थैंक यू।